रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे। आज हम जयराम महतो का सपोर्ट में आए हैं और आपको देखना है कि जो हमारे बीच में प्रत्याशी हैं, तीन गो मुख्यमंत्री हैं, एक जयराम बाबू है, दूसरा सीपी चौधरी और तीसरा मथुरा महतो। तो देखना ये है कि सीपी चौधरी को 5 लाख वोट लेकर के देख लिए और हम लोग जो जनता है वो एक गलती करती है, वोट देते हम लोग चुपचाप हो जाते हैं, कभी भी सांसद से ये सवाल नहीं करते हैं कि आप हमारे लिए क्या किए, यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए वो लोग निरंकुश हो जाते हैं, जिसको भी जिताते हैं निरंकुश हो जाते हैं। तो इस बार आपके यहाँ अगर प्रचार करने आते हैं तो बोलिए कि क्या किए 5 साल, अभी वो वोट मांगते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। अरे भैया, तो आपका हाथ इसका मतलब बहुत कमजोर है, कमजोर है, कोई हाथ को मजबूत करके क्या फायदा है? सही बात, फायदा है क्या? नहीं ना है। वो मोदी जी 10 साल में क्या किए? हिंदू और मुसलमान के अलावा तो कुछ किए नहीं, ये क्या रोजगार से भाग गए, 2 करोड़ नौकरी देने वो भी साफ हो गया, अभी खाली गारंटी देते हैं, पहले वाला गारंटी पूरा ही नहीं हुआ, नया गारंटी दे रहा, गारंटी का काम लग रहा है, खाली हिंदू मुस्लिम से कुछ होने वाला नहीं है। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है ना, बाबर के बेटी हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, यही ना होगा। लेकिन हम लोग जो आदमी हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बट गए, हम लोग इंसान नहीं बन सके और इसीलिए हम लोग विकास नहीं कर पाते, सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का कोशिश करते हैं। और अब आपको देखना है कि पढ़ा लिखा कौन है, पढ़ा लिखा जयराम बाबू है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा आदमी को संसद में भेजिए, वो सब कुछ जानता है, पीएचडी है, बाकी सब तो सब लुलू बुद्धू है, सब लुलू बुद्धू है। उन लोग को वोट दीजिएगा तो वोट आपका एकदम बर्बाद, फायदा नहीं होगा, एक बार तो देख लीजिए क्या हो गया। एगो हमारा मथुरा बाबू है, वो कुछ नहीं करते हैं, अरे हम तो जेएमएम का पूरा सपोर्ट किए भाई, हर इलेक्शन में मथुरा महतो का सपोर्ट किए, इवन मेरा भाई खड़ा था, फिर भी हम मथुरा बाबू को सपोर्ट किए। लेकिन ये नतीजा निकलता है, कोई भेंट करो तो भेंटो नहीं करता है, गजब आदमी है भाई, बाबू का नाम लेकर के वोट मांगता है, अब उसका बेटा भेंट करने जाता है तो उसको भेंटो नहीं करेगा, ये कम तरीका है, इसलिए उसको भी हराना है। ये लोग घमंडी हो गया, एकदम घमंडी, किसी का बातें नहीं सुनता है। अभी जयराम बाबू आज के हालात में सबसे बढ़िया कैंडिडेट है और मैं कहता हूँ तो वोट दे करके भारी मतों से जिताइए, मेरा सपोर्ट उनके साथ है। धन्यवाद आप लोग, ठीक है, बाबू धन्यवाद आपको।